साल पहले हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक डार्लिंग परिवार रहता था। उनके परिवार में 3 बच्चे थे। उनके नाम थे जैन, माइकल और वेंडी। वेंडी हमेशा अपनी माँ को बताती थी कि किस तरह से पीटर पैन उसके कमरे में बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा उसे कहती थी कि ये सब उसकी कल्पना है। कमरे में पत्ते भी दिखाई देते थे जो उसे उलझन में डाल देते थे। वेंडी हमेशा कहती थी कि पत्ते पीटर पैन से गिरते हैं। एक रात जब उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और बच्चों को घर पर अकेले छोड़ा था, जब उन्हें नींद आई वो सारे सो गए। पीटर पैन कमरे में आया और उन पत्तों को खोजने लगा जो वहाँ छूट गए थे। उसी पल वेंडी जाग गई। पीटर पैन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप असली हैं, इस पर किसी को भी विश्वास नहीं। वेंडी ने पीटर को पत्ते वापस कर दिए जिन्हें वो पीटर के लिए छुपा रही थी। उसे पीटर बहुत पसंद आया। वेंडी, क्या मैं तुम्हें एक अद्भुत साहसिक कथा सुना सकता हूँ? मुझे साहसिक कहानी नहीं सुननी है, मैं एक पीटर पैन जीना चाहती हूँ। उसी समय पीटर की छोटी मित्र परी टिंकर बेल खिड़की से अंदर आई। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। क्या तुम मेरे बिना एक नए साहस की तैयारी कर रहे थे? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना कुछ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वेंडी ने अपने भाइयों को जगाया। उन्होंने पीटर पैन और टिंकर बेल को आश्चर्य से देखा। अच्छा, तो तुम उड़ने के लिए तैयार हो? टिंकर बेल ने परों की धूल झटकी और बंद कर लिए और वो हवा में तैर गए और सबने एक साथ घर छोड़ दिया। बच्चे तुरंत ही नेवरलैंड की ओर बढ़ रहे थे। लंबी यात्रा के बाद वे नेवरलैंड पहुंचे। जल परियां, जंगली जानवर, इंडियन समुद्री डाकू और खोए हुए लड़के भी थे। उन सब में सबसे खतरनाक थे कैप्टन हुक। कैप्टन हुक पीटर पैन का दुश्मन था। इसका कारण ये कि एक बार जब वो लड़ रहे थे, पीटर ने उसका हाथ काटा था और एक विशाल मगरमच्छ ने वो खा लिया था। उसके हाथ के साथ उसने घड़ी भी निगल ली थी और इसलिए मगरमच्छ हमेशा टिक टॉक आवाजें करता था। इसलिए कैप्टन हुक को हमेशा पता चल जाता था कि मगरमच्छ पास में है उसकी टिक टॉक आवाज की वजह से। डेक पर अपनी दूरबीन से चारों ओर देखते हुए कप्तान को सामने की पहाड़ी पर पीटर पैन बच्चों के साथ दिखाई दिया। उसने तुरंत आदमियों को तोपों में आग लगाने के आदेश दिए। पीटर पैन और बच्चों को तोपों से दूर जाना बहुत मुश्किल था। टिंकर बेल, तुम बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, मैं हुक से निपटता हूँ। टिंकर बेल को वेंडी से बहुत चलन होती थी, इसलिए वो उसे पीटर पैन से दूर रखना चाहती थी। कुछ बहाने बनाकर उसने वेंडी को वही पहाड़ी पर छोड़कर जिन और माइकल को समुद्र तट पर एक सुरक्षित जगह ले गई। द्वीप पर रहने वाले एक खोए लड़के ने वेंडी को दूर से देखा और उसे दुश्मन समझकर घायल कर दिया। उसी समय पीटर पैन कैप्टन हुक से लड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ खाने वाला मगरमच्छ देखकर डर के मारे हुक भाग गया। जब पीटर पैन वापस आ रहा था, तब उसने वेंडी को चट्टानों पर घायल पड़ा हुआ देखा। वो बहुत परेशान हो गया। खोए हुए लड़कों को खेद हो रहा था जब उन्हें पता चला कि वेंडी दुश्मन नहीं बल्कि पीटर की दोस्त है। मैंने बच्चों को आपके सहारे छोड़ा था। टिंकर बेल को भी दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसने बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो पीटर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ।
खोए बच्चों ने वेंटी और उसके भाइयों के लिए खूबसूरत घर बनाया। रात में वे सभी पेड़ों के नीचे घर में सोते और वेंटी की कहानियों को सुनते, और पीटर घर के बाहर निगरानी करता था। एक दिन जब वे चट्टानों पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने समुद्री डाकुओं को आते देखा। समुद्री डाकुओं ने भारतीय प्रमुख की बेटी को बंधक बना लिया था। पीटर पैन और लड़के प्रमुख की बेटी को बचाने चले गए। उनके और समुद्री डाकुओं के बीच बड़ी लड़ाई हुई। अंत में उन्होंने बेटी को बचा लिया और उसे प्रमुख के पास ले गए। उस दिन के बाद इंडियंस, पीटर पैन और खोए लड़के बहुत करीबी दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लड़कों की रक्षा के लिए अपने दो श्रेष्ठ आदमियों को पीटर पैन के साथ रहने के आदेश दिए। बेशक कैप्टन हुक इस बारे में क्रोधित थे। एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा पीटर पैन, और तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, एक रात जब वेंडी अपने परिवार की कहानी बताने लगी, तब पीटर को एहसास हुआ कि वो और उसके भाई परिवार को कितना याद कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर वे चाहे तो वापस जा सकते हैं, पर वे रहना चाहते थे। जब वे लंबी यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे थे तो समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला किया। भारतीयों के लिए जाल फैलाकर उन्हें पकड़ने के बाद समुद्री डाकुओं ने लड़कों को पकड़ लिया। पीटर पैन घर पर सो रहा था और लड़कों के साथ क्या हुआ इस बात से अनजान था। कैप्टन हुक ने उसे सोते हुए देख लिया था। वो पीटर पैन के घर का दरवाजा खोल नहीं सका। फिर भी उसने साथ लाया जहर दरवाजे के नीचे की बोतल में भर दिया, जिसकी वजह से पीटर देर तक सोता रहा। पीटर पैन पूरा दिन सोता रहा, और जब वो उठा, टिंकर बेल अंदर आई। जो कुछ भी लड़कों के साथ हुआ बताने पर पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को बचाने निकल पड़े। जब वे समुद्री डाकुओं के मुख्यालय हैप्पी रॉक पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहरेदारी पर कोई समुद्री डाकू नहीं था। जब वे चट्टान की दूसरी तरफ गए तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। वेंडी, जैन, माइकल और खोए हुए लड़के सभी खंभों से बंधे हुए थे, और कैप्टन हुक हाथ में जलती मशाल पकड़े हुए था। मारी आखिरी इच्छा क्या है? वेंडी, जो सबसे बड़ी थी, उसने बोलना शुरू किया। प्रिय दोस्तों, मेरे आखिरी शब्द वो होंगे जो तुम्हारी माँ ने बताए होंगे। अगर आज वो यहाँ होती तो कहती कि डरने की कोई बात नहीं, और निडरता से अपनी मौत का सामना करो। साहसी बनो, दयालुता हमेशा जीतती है, हमेशा। वेंडी के शब्द सुनकर कैप्टन हुक को बड़ा गुस्सा आया। वो उसे नाव पर ले आया और उसे एक बड़े खंबे से बांध दिया। इसी समय पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को वहाँ बचाने आ पहुँचे। इसी समय भारतीय और उनके प्रमुख भी वहाँ मदद के लिए आ पहुँचे। इससे पीटर पैन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी मदद से उन्होंने लड़कों को बचा लिया। अब वेंडी को छुड़ाने का समय था। पीटर पैन और लड़के कैप्टन हुक के जहाज पर पहुँचे, जहाँ कुछ ही समुद्री डाकू बचे हुए थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पिट जाएंगे, वे जहाज से कूद गए। हुक, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, समर्पण कर दो। पीटर पैन और लड़कों ने कैप्टन हुक की तरफ बढ़ना शुरू किया, ताकि वो पीछे की ओर चल सके, और अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। डर के मारे कैप्टन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मगरमच्छ उसका पानी में गिरने का इंतजार कर रही थी। बचाओ! पलक झपकते ही वो नाव की दूसरी ओर भागा और पानी में कूद गया। जितनी जल्दी हो सके उसने तैरना शुरू किया। पीटर पैन और लड़के हंसने लगे। उस पल से हुक का जहाज लड़कों का था और उनके कप्तान पीटर पैन थे। हम आपके आदेश के लिए तैयार हैं कैप्टन पीटर। चलो चलते हैं।
लड़कों ने रस्सियों को उतार दिया और पालिया अपनी सारी शक्तियों से उठी। टिंकर बेल, चलो उड़ते हैं डार्लिंग परिवार के घर की तरफ। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। वेंडी, जैन, माइकल अपने माता पिता के पास जाने वाले थे, जिन्हें वे बेहद याद कर रहे थे। जब टिंकर बेल ने परों की धूल झट की, अचानक जहाज हवाई जहाज बना और आकाश में उड़ने लगा। वेंडी घर जाने के लिए और उन्हें पीटर पैन, टिंकर बेल और नेवरलैंड के बारे में बताने के लिए बेचैन थी। उस दिन से नेवरलैंड उनका दूसरा घर था और पीटर पैन उनका सबसे अच्छा दोस्त।